न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आँखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेवन एच न्यूज, सच को रखे आपके आगे। अब एक बहन ने यह सवाल किया है कि गुज़श्ता साल भी मिलादुन नबी और गणेश फेस्टिवल एक साथ आए थे, जब मुसलमानों ने दिल बड़ा करते हुए दो दिन पहले ही मिलाद मना लिया, लेकिन इस बार भी जब दोनों एक साथ आए हैं तो फिर इस बार भी मुसलमानों ने सबसे पहले दिल बड़ा करके दो दिन पहले मनाने की बात क्यों की। इस पर इस बहन ने कई सवाल किए। अब पूछने का और कहने का हक तो सभी को है, अब इस पर कोई एतराज भी नहीं कर सकता। हमारे पास डेमोक्रेसी है, यहाँ पर किसी को भी पूछने का इख्तियार है। तो इस बहन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने भी पर्दा नशीन बहनें हैं घरों में, उन सबको मेरा सलाम है, और मेरे भाई है सबको मेरा सलाम है तहे दिल से। मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाह रही हूँ, कब तक हम जो है, कब तक भाईचारे के नाम पे हम ही कुर्बानी देंगे? क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? लास्ट टाइम भी, लास्ट ईयर भी, जब मिलादुन्नबी का जब जुलूस मुबारक रहता, वो ये दिन नहीं निकालना। ये दिन जो है गणेश जी की पूजा है, गणेश का वो रहता, ये रहता, गणेश जी का ऐसा रहता वैसा रहता बोल के लास्ट टाइम भी मिलादुन्नबी नहीं करने दिए। उसके चार दिन के बाद भी करने दिए, चलो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के हम लोग चुप बैठ गए। अब ये साल भी ये बात सामने आ रही कि ये दिन जो दिन मिलाद रहता उस दिन मिलाद नहीं मनाना है, उसके चार दिन के बाद मिलाद मनाना है। आखिर ऐसा कई को, आखिर मुसलमान क्यों खामोश बैठ रहे? वजह क्या है खामोश बैठने की? मेरे को ये पूछना है आप सबसे, अगर अपन ऐसे ही करते रहे, अब ये साल ऐसा होता, नेक्स्ट अगले साल भी, आने वाले सालों में ऐसे ऐसे करके फिर ऐसा होने वाला रहता कि अपनी मिलाद मनाने ही नहीं देते ये लोग। जो ये मोदी के लोग हैं, जो ये है कांग, जो भी है भाई, जितने भी पार्टियों के लोग हैं, हमारे से कब तक अपनी कुर्बानियाँ मांगेंगे? और बड़े लोग ऐसा बोल रहे हैं, हाँ ठीक है भाईचारा निभाना पड़ता, भाईचारा निभाना पड़ता। भाईचारा हमको क्यों निभाना पड़ता? भाईचारा आप लोग भी तो निभाइए ना, आप लोग भी तो अपना बाद में कर लीजिए ना गणेश की पूजा। हम लोग लास्ट ईयर, लास्ट टाइम जब हम लोग खामोश बैठ गए थे, अभी भी हम लोग क्यों खामोश बैठना? और मैं इतना ही पूछना चाह रही हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि ये क्या है? अगले साल तो अपने को फिर भी नहीं, अब ये साल भी ऐसा करे, लास्ट टाइम भी वैसेज करे, ये साल भी वैसेज करे, आने वाले सालों में भी अपने से ऐसी करके क्या अपन अपनी हर चीज़ को, अपनी खुशियों को, जो अपन साल में एक बार जो अपने सरकार अपने लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दिए, अपने लिए इतना, इस्लाम के लिए इतना मर मिट गए, उनका पूरा घर का घर भी मर मिट गया तो भी सलाम उन्होंने बोले फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों सवाल नहीं उठा रहे अपने लोगों पर? मेरे को ये बात आप लोग की समझ में बिल्कुल नहीं आती। जो मुसलमान बार बार को बोलते हैं हम ऐसा, अब मकबूट की ज़मीन के लिए जो भी है, जो बोल रहे हैं स्कैन करने के लिए बोल रहे हैं, जो हर चीज़ के लिए आगे बढ़े, तो फिर यहाँ पे कहाँ हैं असद साहब, अकबर साहब, जितने भी हमारे बड़े लोग हैं मजलिस के हों दो या बड़े, जितने भी जने हम मुसलमान हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे बोल के जो आते हैं, अब ये मिलाद के लिए कहाँ पे है? जो अपने लिए मर गए, मिट गए अपने इस्लाम के लिए इतना अल्हम्दुलिल्लाह, आज उन्हों थे बोल के तो हम कलमा पढ़े ना, उन्हों थे बोल के तो आज हम मुसलमान हैं बोल के हमको मालूम है ना। तो कब ऐसा, कब किसके दिल में जज्बा आएगा, कब अपने अपने जज्बों को अपने दिल में से वो करेंगे? आप लोग बोलिए, मैं भी नहीं आ रही हूँ थी कि मैं आप लोगों के सामने आऊँ या मैं आप लोगों के सामने कुछ बयान करूँ, मेरे को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बस मेरे दिल में इतनी तकलीफ़ है। लास्ट टाइम भी वैसेज करके चुप बैठ गए, चलो भाई जाने दो, हो गया उन लोगों का, हो जाने दो बोले। अभी भी ये साल, आने वाले सालों में तो ख़त्म ही कर देते उन लोगों का, मिलाद मनाना ही नहीं बोलते। जब आप लोग क्या करते, जब आप लोग किसको बोलते हैं? अब आप बोलिए मेरे को, मेरे से ये वीडियो से जितने भी जने सहमत है, आप लोग जितने भी जने राजी है, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ये लोग समझे ना आप लोग, मैं न्यूज़ चैनल वालों के ज़रिए से मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं जितनों को भी ये न्यूज़ में भेजना चाह रही हूँ, वो सब अपने न्यूज़ में अपलोड करें। ये बात मेरी क्या गलत है भाई, मेरी क्या गलती है ये बात पूछने के लिए? बोलिए कहाँ आए अपने मुसलमान भाइयाँ जो अपने सरकार को बोलते ही हैं हमारे सरकार ऐसे थे, हमारे सरकार वैसे थे, कहाँ है वो जज्बा, कहाँ है? अगर अपना ही जज्बा मर मिट गया तो आगे वालों का जज्बा कैसे होएगा? अपने आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगे? वो लोग तो भूल ही जाएंगे,
अरे हम उन लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सके तो हम क्यों करना ऐसा, अपने लिए अपने लोग अपने सरकार जो भी है वली अल्लाह है जो ने पैगंबरों ने अपने लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है वो सिर्फ अपने को मालूम है। तो आने वाले अगर अपनी औलादों को बताना चाह रहे तो ये लड़ो, लड़ने की मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लड़ो लड़ो कुछ भी नहीं, मेरे से मेरे दिल में वैसा कुछ भी नहीं है हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ वगैरह। लास्ट टाइम अपन जब उन लोग को मौका दे दिए थे ये गणेश जी के पूजा करने के लिए, अब उन लोग अपने को मौका देना चाहिए था। आप लोग ठीक है भाईचारा मनाना चाह रहे ना, ठीक है भाईचारे में हम लोग राजी है। आप लोग ये साल मिलाद जब जिस दिन रहता मिलादुन नबी उस दिन आप लोग मिलादुन नबी करिए, हम लोग उसके दो दिन के बाद या तीन दिन के बाद हम जो है हमारे गणेश जी को उठा के विसर्जन कर देंगे, ऐसा बोल के उन लोग नहीं निभाना चाह रहे तो हमारा क्या हक बनता। हाँ उन लोग हमारे कुछ क्यों, हम लोग कुछ बलिदान करने के लिए हमारी क्यों ऐसा हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग ऐसे ही खामोश बैठे हुए रहेंगे तो अपने आने वाले नस्लें जो है वो हर चीज़ भूल जाएंगे, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के ऊपर दुरूद भी नहीं भेजेंगे पढ़ के, ना एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजेंगे। समझ में आया ना, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से, ये मेरी बात से जो भी जने सहमत है उन लोग आगे बढ़िए हैं और इंशाल्लाह इसके लिए आवाज़ उठाइए। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड्स, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड्स। जो हजरत 60 साल की उम्र से ज्यादा है हज और उमरा जाना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह, मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।